कांग्रेस क्षमता को आसिले सीएए को प्रत्याहार करने कांग्रेस नेता चिदंबरम बयान को तेजी राजनीति। गृहमंत्री अमित शाह कड़ा भाषा यार निंदा कर सीएए को प्रत्याहार करने कांग्रेस काहीकि कहूँ यह पक्षर कारण बुझा को पड़ नागरिक संशोधन आईन में समस्त नागरिकत्व मिल कांग्रेस जो तुष्टीकरण राजनीति कहू चाहिए से सफल होना पछुआ वर्ग भोट बैंक सुरक्षित रखा कांग्रेस बयान फसर फाटी अमित शाह। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट का एजेंडा जनमानस के बीच में सेट भी किया और उसके आधार पर चुनावों की देश में शुरुआत हुई। कांग्रेस को बहुत तकलीफ पड़ रही है डेवलपमेंट के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने में लगातार वो पराजित हो रही है। फिर से एक बार एपीसमेंट की पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती है। चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि सीए में क्या बुराई है, हम सीए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। बौद्ध जैन क्रिश्चियन वोट बैंक को प्रभावित करने कांग्रेस एभली बयानबाजी आरंभ कर सफल हे सीएए जो उद्दिष्ट से अधिकार देवे मोदी सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। सीएए परी तीन कानून मध्य देशरे लागू होबाकु जाउछि, एहा द्वारा लोकमानंकु त्वरित न्याय मिल पारिबो, न्याय व्यवस्था सहज हेबो, समय सापेक्ष हेबो नाही। सीएए से इस देश में बहुत बड़ी तादाद में पड़ोसी देशों से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस सभी को नागरिकता मिलती है, सुरक्षा मिलती है। मैं नहीं समझता इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है। सीएए से किसी का नागरिकता जाना नहीं है, ये भ्रांति फैला रहे हैं और एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं चिदम्बरम साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका ये इरादा कभी पूरा नहीं होने वाला है। देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को भली भांति जान चुकी है। प्रथम पर्याय मतदान सरी बेले आसंता 26 तारीख में द्वितीय पर्याय मतदान होबाकु जाउछि। आउ एही समय रे चिदंबरम को बयान राजनैतिक चर्चा को बढ़ाई देछि, यहार काउंटर करिछन्ते अमित शाह। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।